हेलो दोस्त, नमस्ते। कैसे हो? आई हो? सब लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो ये हमारा नाप वाला सूट है, इसके नाप का हमें सूट बनाना है। तो इस सूट की लंबाई हो रही है 38 इंच, तो मुझे सूट की लंबाई 38 ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सूट बिल्कुल फिट है। और हमारे पास सिलाई के लिए आया है, तो हमें इसकी सिलाई भी करनी है और कटिंग भी करनी है, और हमें वीडियो भी बनानी है। तो मैं सोच रही हूँ वीडियो भी डाल दूँ इसकी। और दामन पे हो रहा है 22 इंच, तो मुझे दामन पे 22 इंच रखना है। और मुझे 1.5 इंच या 2 इंच कपड़ा हम फालतू लेंगे। और ये हमारा बगल से कमर तक का नाप हो रहा है 13 इंच, तो हमें 13 इंच रखना है। थोड़ा सा फालतू ले लेंगे हम, क्योंकि बगल की साइड दबता है, इसलिए थोड़ा सा ही लेना है फालतू। देखो कितना हैवी सूट है, तो मुझे इसके नाप से ही बनाना पड़ेगा सूट बिल्कुल। और ये हमारा सीना, हमें सीना की नाप का लेना है नाप। तो इसकी चौड़ाई हो रही है, देखेंगे अभी दिखाएंगे आप लोगों को हम सीना की चौड़ाई हमारी कितनी हो रही है। तो देखो सीने की चौड़ाई हो रही है 23 इंच। हमें इसके 23 इंच पे ही निशान लगाना है। और दो दो अंगूर मतलब 2 इंच कपड़ा इधर फालतू लेना है, 2 इंच इधर लेना है। और इसमें भी गला बना हुआ है, और जिसकी मुझे कटिंग करनी है उसमें भी गला बना हुआ है। तो जो बना हुआ है वो 6.5 आ रहा है, तो मुझे 6.5 ही रखना है। और आस्तीन मुझे थोड़ी नीची करनी पड़ेंगी, ये 4.5 हो रही है, तो मुझे 5 करनी पड़ेगी। मुझे 5 की बनानी है। और आस्तीनों की मोहरी हो रही है 7.5, 7.5 रखनी है। चलो ये हमारा सूट का कपड़ा है, ये आगे का पल्ट है, पीछे का हम बाद में कटिंग करेंगे। हमने अलग अलग कर लिया है, बीच में सिलाई लगी हुई थी तो उसे मैंने अलग कर लिया है। ये हमारा आगे का है, इसे सही कर लेंगे अच्छे से। इस तरह से पहले हम आगे की पल्ले की कटिंग करेंगे। अब 23 का आधा करना पड़ेगा, 23 का आधा तो 11.5 आ रहा है, तो 11.5 पे निशान लगाना है। ये फिटिंग का निशान है हमारा, ये हमारा फिटिंग का निशान था बिल्कुल। तो हम निशान फिटिंग के लगाएंगे 2-2 इंच। इसमें तो ज़्यादा कपड़ा है नहीं फालतू, तो इतना कपड़ा हम फालतू रखेंगे। मुड्डा रखने हैं हमें 4, क्योंकि काफ़ी हैवी सूट है, तो मुड्डे 4 रखने हैं। फिर इधर से थोड़ा सा दबेगा मुड्डे की साइड से, तो 3.5 रह जाएगा, क्योंकि गले की तरफ से दबेगा नहीं। और मुझे मुड्डों की गहराई रखनी है 7, क्योंकि ऊपर से थोड़ा दब जाएगा, थोड़े नीचे से दब जाएगा, तो बिल्कुल हमारा फिट आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा दबेगा, तो हमने इस तरह से निशान लगा लिया है। और स्केल की मदद से पूरा सीधा होगा, अच्छे से सीधा निशान लगाएंगे हम स्केल की मदद से। देखो ये 13 हो रहा है, इस पर भी थोड़ा सा फालतू लगाना है। वैसे थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
24 का आधा करना है। 12 होगा 24 का आधा तो 12 ही होगा, तो कमर पे 12 पे निशान लगाना है। ये हमारे फिटिंग के निशान लग रहे हैं सारे। जब आप लोग सूट की कटिंग करो तो फिटिंग के निशान लगाना, बिल्कुल दो दो अंगूर और या दो दो इंच कपड़ा फालतू ले लेना है। तो हमारा कम पड़े या ज़्यादा हो, ज़्यादा हो तब तो सही है, कम पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी बनाने में। तो मैं दो दो अंगूर कपड़े फालतू लेती हूँ। थोड़ा सा इसमें ढाल देना है स्केल की मदद से। अब ये एक इंच की हम आगे की मुड्डों की गहराई रखेंगे। अब पीछे एक इंच बढ़ा देंगे, पीछे की साइड हम दो इंच रखते हैं, आगे की साइड एक इंच गहराई देते हैं। इस तरह से बहुत सरल तरीका है हमारा ये सूट की कटिंग बताने का, सिंपल और सरल तरीके से मैं बता रही हूँ सूट की कटिंग। जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा तरीका है। नीचे रखना है 11 पे, 22 का आधा 11 ही हुआ। थोड़ा फालतू करके रखना है मुझे। चलिए अब करते हैं हम कटिंग। कितने अच्छे से बताया है, समझ में आया होगा आप लोगों के। इस तरह से हम कटिंग करेंगे और ये कपड़ा जो फालतू दिख रहा है इसकी कटिंग हम करेंगे नहीं, यहाँ पे हम कट लगा लेंगे कमर पे। कट लगाने से ऊंचा नीचा नहीं होता है। इसलिए कट लगा लेते हैं। तो हमारे आगे की पल्ट की कटिंग हो गई है। अब हमने मुझे पीछे की साइड कटिंग करना है, तो कपड़े पे आगे वाला पल्ला मैंने बिछा लिया है सही से समार के, बिल्कुल इस तरह से कटिंग करेंगे। थोड़ा डार्क कलर है और मैं रात में कटिंग कर रही हूँ, वो दिख नहीं रहा है सही से, कोई बात नहीं, अगर मैंने बताया अच्छे से आप लोगों को। चलो अब मैं इस तरह से करती हूँ कटिंग। दोनों पल्लों की हो गई है हमारी। ये हमारे पीछे का है, ये आगे का है। देखो हमने दोनों पल्लों की कटिंग कर ली है, कितने अच्छे से बताई है आप लोगों को। अब हम करते हैं आस्तीन की कटिंग। 5 की बनानी है तो मुझे 7 पे निशान लगाना है। मैं थोड़ा सा फालतू ही कपड़ा लेती हूँ, कपड़ा होता है तो नीचे 5 पे निशान लगाना है। नीचे मुझे पूरी 5 पे फिटिंग ही करनी है आस्तीन, इतना फालतू लिया है। ये अंदर के लिए है, इसे सीधा कर लेंगे। देखो फिर से दिखा रही हूँ मैं, 5 पे फिट रखनी है मुझे आस्तीन है, दो इंच की गहराई देना है नीचे। बहुत अच्छा ढाल आएगा आस्तीनों का, एकदम परफेक्ट। चलो इंची टेप की मदद से इसे हम थोड़ा ढाल देना है। स्केल तो ज़रूर रखना कटिंग करते समय साथ में, इससे बिल्कुल निशान सीधे लगते हैं।
अब ऐसे करते हैं कटिंग हम। इस तरह से हो गई हमारी कटिंग आज तीनों की। ये हमारी 5 इंच की आस्तीनें हैं। इस तरह से हमने आस्तीन की कटिंग कर ली है। फिटिंग पे निशान देना है नीचे की साइड। तो ये हमारा सूट है और ये हमारी आस्तीनें हैं। इस तरह से हमने कटिंग करी है। देखो दोस्तों हमारी कटिंग हो गई है। थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। देखो हमारी कटिंग हो गई है। बस ये हमारा सूट है और ये हमारी आस्तीन है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बाय।